जो चाईबासा के ऐतिहासिक पिल्लई हॉल का विजिट किया गया है मेरे द्वारा, पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पदाधिकारी और रूटा ग्रुप के पदाधिकारियों के द्वारा। और काफ़ी मैं बहुत तहे दिल धन्यवाद देना चाहता हूँ रूटा ग्रुप, श्री नंदा रूंगटा जी, श्री मुकुंद रूंगटा जी और पूरे टीम को। क्योंकि जब पिले हॉल का स्थिति हम लोग देखें तो इसको रिनोवेट करने के लिए काफ़ी बड़ा एस्टिमेट हो गया था, इतना राशि किसी सरकारी योजना से देना हम लोग के लिए संभव नहीं था। तो उस समय CSR के तहत जो ऐतिहासिक पिले हॉल जो चाईबासा के साथ जिनका करीब 100 साल का इतिहास रहा, तो वैसे हॉल को रिनोवेट करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया। तो उस समय के तत्कालीन आयुक्त महोदय विजय सर के द्वारा भी इसका परफ्यूंस काफ़ी किया गया और रूटा ग्रुप काफ़ी अच्छा रिस्पांस देते हुए, जितना हम लोग सोच रहे थे उससे बढ़ चढ़ कर दुगना खर्च करते हुए एक अच्छे एसेट हम लोग को इस जिला के लिए और चाईबासा टाउन के लिए वो दिए हैं। मैं तहे दिल को पूरे रूटा ग्रुप के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला प्रशासन की ओर से। और क्योंकि अभी कोरोना का संकट चल रहा है और लॉकडाउन का आदेश भी लागू है, इसीलिए कोई भी उद्घाटन कार्यक्रम या इसका जो शुरू करने के लिए एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं कराया जा रहा है। जब कोरोना संक्रमण के समय ख़त्म होगा, कभी इसका वायरस आएगा, जब स्थिति साधारण होगी, तब यहाँ एक सामाजिक कार्यक्रम भी ज़रूर शुरू होगा। लेकिन अभी आयुक्त महोदय के द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में हम लोग एक अच्छा एजुकेशन प्रोजेक्ट हम इस प्रमंडल में लागू करने वाले हैं, जिसमें लीडरशिप पश्चिमी सिंहभूम जिला के पदाधिकारी सभी ले रहे हैं, इसमें जमशेदपुर और सरायकेला जिला का भी टीचर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। हम लोगों का मकसद यह है कि YouTube के माध्यम से एक हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस 9, 10, 11, 12 स्कूल्स के लिए, जो जो क्लासेस में पढ़ते हैं पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छे क्वालिटी का वीडियोस। वैसा नहीं कि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिलते हैं, लेकिन जो झारखंड सिलेबस को ध्यान में रखते हुए परीक्षा में रिजल्ट जो अच्छे रिजल्ट लाने के लिए क्या क्या पढ़ना है, और इस प्रमंडल के सबसे बढ़िया टीचर हो सकता है मैथ्स में, हो सकता है सरायकेला के कोई टीचर होंगे, साइंस में कोई चाईबासा के टीचर होंगे, इंग्लिश में शायद कोई जमशेदपुर के अच्छे टीचर होंगे। तो पूरे प्रमंडल का जो अच्छे अच्छे टीचर हैं, एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी जो ऊर्जावान टीचर हैं, उन लोगों को हम लोग सेलेक्ट करते हुए उनके वीडियोज़ बनाएंगे। और इस प्रोजेक्ट में जितने वीडियोज़ बनेंगे वो पूरे यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश के सब बच्चों के लिए हम लोग अवेलेबल कराएंगे। विशेषकर फोकस रहेगा इसी प्रमंडल, इसी जिला और झारखंड के बच्चों को मदद करना हम लोगों का मकसद रहेगा। पूरे कार्यक्रम CSR के माध्यम से, इसमें कोई राशि जिला प्रशासन कोई वहन नहीं कर रहे हैं, एक CSR के माध्यम से हम लोग भी करने वाले हैं। रूटा परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए भी वो CSR में मदद करने के लिए हम लोगों को सपोर्ट किया है। तो ये कार्यक्रम का जो शूटिंग है वो यहाँ के स्टेज पर हम लोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, अधिकतम 3 या 4 व्यक्ति, जो टीचर उस समय पढ़ाएंगे, कैमरामैन और जो एडिटर होंगे उन लोगों के समक्ष हम लोग यहाँ रिकॉर्डिंग करा देंगे। इन सभी वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यूट्यूब में चलाएंगे, एक मोबाइल एप्लीकेशन भी डिज़ाइन करेंगे जिसके माध्यम से जो भी बच्चे, मान लें 11th स्टैंडर्ड हैं, 12th स्टैंडर्ड हैं, किसी भी बच्चा इस राज्य के कहीं भी किसी भी कोने से अगर कोई भी क्लास सुनना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा क्वालिटी का वीडियोज़ के माध्यम से वो बच्चे घर रहते हुए ही इस कोरोना के समय पूरा पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का उद्देश्य है, इसी के संबंध में आज हम लोग निरीक्षण किए यहाँ का, क्योंकि यहाँ कोई बहुत बड़ा प्राइवेट स्टूडियोज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए जो इसका जो प्ले हॉल का जो स्टेज है उसी को हम लोग, क्योंकि लाइटिंग का भी उपलब्धता यहाँ है, तो इसीलिए इसी को स्टूडियो बनाते हुए हम लोग क्लासेस का वीडियोस लेना बहुत जल्दी शुरू